नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकियों के शिविर पर भारत की एयर स्ट्राइक के 43 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी सरकार घटना स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों और विदेशी राजनयिकों को लेकर गई। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बस के 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को आतंकियों के शिविर पर हमला किया था। बीबीसी की हिंदी वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उनका संवाददाता भी मीडिया कर्मियों के उद्दल में शामिल था, जिसने एयर स्ट्राइक वाली जगह का दौरा किया। भारत का दावा है कि उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर हमला कर बड़ी संख्या में आतंकी मार गिराए थे। पाकिस्तान का कहना है इस हमले में कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचने के अलावा एक आदमी को चोट आई थी, लेकिन कोई मारा नहीं गया था। पाकिस्तान सरकार ने मीडिया से कहा था कि वह उन्हें उस जगह ले जाएगी जहां भारत ने एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। हालांकि बाद में वह इससे पीछे हट गई। इस्लामाबाद से एक हेलीकॉप्टर से ले जाए गए बीबीसी हिंदी संवाददाता ने बताया कि वह मंसेरा के पास की एक जगह पर उतरे। इसके बाद करीब 1.5 घंटा वह कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरे। भारत ने जिस मदरसे को नष्ट करने का दावा किया है, उस तक जाने के दौरान मीडिया टीम को 3 अलग अलग जगह दिखाई गई। उन्हें बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर पेलोड गिराए थे। संवाददाता ने कहा वहाँ केवल कुछ गड्ढे और कुछ जड़ से उखड़े पेड़ दिखे। उसने बताया कि पूरा भवन सही सलामत है, उसके कुछ हिस्से काफी पुराने दिखे और इससे सटी मस्जिद में करीब 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जब अधिकारियों से पूछा गया कि इस टूर के आयोजन में इतनी देरी क्यों हो गई, तो उन्होंने कहा अस्थिर हालात ने लोगों को यहाँ तक लाना मुश्किल कर दिया था। अब उन्हें लगा कि मीडिया के टूर के आयोजन के लिए यह सही वक्त है। संवाददाता ने बताया कि यह जगह इंसानी आबादी से अलग थलग थी। इस इलाके में घर भी एक दूसरे से दूरी पर स्थित थे। इसके बाद टीम को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहाँ मदरसा स्थित है। बीबीसी संवाददाता ने कहा भवन को देखने से ऐसा नहीं लगा ये कोई नया बनाया या इसने किसी तरह का हमला या नुकसान झेला है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एक समाचार एजेंसी की टीम और स्थानीय पत्रकारों को इस परिसर में दाखिल होने से पहले रोका गया था। ISPR DG मेजर जनरल आसिफ कपूर से पूछा गया कि संवाददाताओं ने मदरसे के बोर्ड पर मौलाना यूसुफ अजहर का नाम देखा, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। एक बोर्ड पर लिखा था कि मदरसा 27 फरवरी से 14 मार्च तक बंद रहेगा। एक शिक्षक ने कहा कि आपातकालीन उपाय के तहत ये कदम उठाया गया था। जब मीडिया कर्मियों ने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जल्दी करें, ज्यादा लंबी बात ना करें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।